subscribe my YouTube channel Parasoonery Will. तो सबसे पहले हम कास्टिक सोडा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कास्टिक सोडा दुकान से लिया है और ये आधा किलो का कास्टिक सोडा है। और हम इस आधा किलो कास्टिक सोडा को 2.5 लीटर पानी में घोलेंगे और इसे घोलते वक्त इसे डंडे से हिलाएंगे ताकि हमारे हाथ ना कटे, क्योंकि कास्टिक सोडा बहुत गर्म होता है और पानी को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। तो अच्छी तरह से हम डंडे से हिलाएंगे कास्टिक सोडे को। फिर हम आधा किलो सरफ की थैली लेंगे, जो आप मार्केट से ला सकते हैं। किसी कोई भी सरफ चलेगा, अच्छे क्वालिटी का सरफ होगा तो अच्छी साबुन बनेगी। तो हम इसे भी इसी कास्टिक सोडे की घोल में मिला देते हैं सरफ को, और डंडे की सहायता से अच्छी तरह इसे भी हिलाएंगे। इसे हिलाने के बाद हम इस घोल को 4 से 5 या 6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह घुल सके और हमारा घोल अच्छी तरह प्राप्त हो सके। तो हम इस प्रकार से डंडे की सहायता से हिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। फिर दूसरी बाल्टी लेनी है हमें, और उसमें 2.5 लीटर पानी लेना है और 1 किलो से ज़्यादा या 1 किलो इसमें बेसन डालना है। बेसन क्यों डालेंगे हम, क्योंकि साबुन सॉफ्ट बनेगी बेसन से और साबुन की क्वालिटी भी अच्छी होगी और साबुन कपड़े से मिल अच्छी तरह से काटेगा और बेसन साबुन को ज़्यादातर सॉफ्ट बनाएगा और हमारी साबुन भी अच्छी तरह से दिखेगी पीली कलर की। और इसे भी हम डंडे की सहायता से मिला देंगे। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए, पूरा घोल अच्छी तरह मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसे भी घोल को अच्छी तरह मिला देंगे। फिर इस घोल में 2 लीटर घी डालेंगे। हमें घी यूज हुए डालना है, हम अभी यूज हुए घी को डाल रहे हैं जो उपयोग में ले चुके हैं हम। और ये घी डालडा घी है और ये आप मार्केट से भी ला सकते हैं या तो अपने घर में यूज हुए घी का उपयोग कर सकते हैं। हमें ज़्यादातर इसमें डालडे घी का ही उपयोग करना है, या तो कोई भी जमने वाला तेल डाल सकते हैं इसमें हम। तो इसे भी डंडे की सहायता से हिलाना है अच्छी तरह। तो इसे अच्छी तरह हिलाने के बाद डंडे से, और इसमें भी गुठली नहीं पड़नी चाहिए, इसे हिलाने के बाद हम अब अपनी सारी सामग्री ले लेंगे और बेसन के घोल को भी हमें थोड़ी देर रखना होगा। और अब हम सबसे पहले हमारा 6 से 6 घंटे पड़ा जो कास्टिक सोडे का घोल था वो हम अपने पीपे में डालेंगे, या तो कोई भी जिस बर्तन में आपको जमाना है साबुन उसमें डालेंगे। और फिर बेसन को धीरे धीरे करते हुए इस पीपे में डालेंगे और घोल को हिलाते जाएंगे साथ साथ, ताकि इसमें इतनी ज़्यादा रिएक्शन होती है कि ये घोल एकदम फटाफट जम जाता है। तो आप इस वीडियो को में देख सकते हैं, ये घोल देख लीजिए अभी जम जाएगा, इसलिए इसे डंडे की सहायता से ज़्यादा हिलाना है। और इसमें भी गुठली नहीं बननी चाहिए और अच्छी तरह फेंटना चाहिए इसे और अच्छी तरह मिलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी जम गया है, अभी लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिड बनने लग गया है। और अच्छी तरह से हमें इसे मिलाना है ताकि इसमें गुठली ना बने और साबुन अच्छी क्वालिटी की बने। तो इसे हमें डंडे की सहायता से मिलाना है फटाफट, और लेट नहीं करना है मिलाते वक्त, ज़्यादा समय ना लगाना है, मिलाते जाना है हमें। और इस प्रकार डंडे की सहायता से मिलाएंगे और इसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जम सके। जमने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर इसे छोटी छोटी टिकिया या बट्टी में काट लेंगे ताकि हम अपने रोज़ाना के उपयोग में ले सके। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा घोल अच्छी तरह फेंट चुका है, मिल चुका है, और हमें इसे अब सूखने के लिए, जमने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 दिन के लिए। जैसे ही हमें जमा हुआ दिखे उसे काट लेना है और उपयोग में ले लेना है साबुन।
तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए।